दहेज उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को नसीहत। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून पर करे विचार। 3 नए कानून के किन धाराओं में सुधार की नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की ये नसीहत दहेज उत्पीड़न कानून को लेकर है, जिसका प्रावधान 3 नए कानूनों में है। गौरतलब है कि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने हैं। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इन्हीं 3 नए कानूनों में से भारतीय न्याय संहिता में दहेज उत्पीड़न कानून को लेकर जो प्रावधान किया जाने वाला है, उनमें बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से विचार करने की नसीहत दी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, BNS का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार इसकी धारा 85 और 86 में जरूरी बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ताकि झूठी शिकायतें दर्ज कराने के लिए इसका दुरुपयोग ना हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर BNS की धारा 85 और 86 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को ऐसी नसीहत देनी पड़ी। BNS की धारा 85 में कहा गया है कि किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता करेगा तो उसे 3 साल की कैद की सजा हो दी जाएगी, साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वहीं BNS की धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा में ये कहा गया है कि ये महिला की मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की हानि पहुंचाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि उसने 14 साल पहले भी दहेज विरोधी कानून पर एक बार फिर से विचार करने को कहा था, जिसके पीछे की वजह यह है कि थानों में दर्ज कराई गई शिकायतों में अक्सर यह देखा गया है कि महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर लिखाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत देनी क्यों पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के मामले में एक याचिका डाली थी। इस केस में महिला की तरफ से दर्ज कराई गई FIR और आरोप पत्र से ये पता चलता है कि महिला की तरफ से लगाए गए आरोप काफी अनक्लियर, जनरल और व्यापक हैं। साथ ही इसमें आपराधिक आचरण का कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका रद्द तो की ही, अपने फैसले की प्रतियां केंद्र सरकार, गृह सचिवों और केंद्रीय कानून को भेजने का निर्देश भी दिया है। मकसद ये है कि इस फैसले की प्रति को कानून और न्याय मंत्री के साथ गृह मंत्री के सामने भी रखा जा सके। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने BNS की धारा 85 और 86 के गलत इस्तेमाल को रोकने की मकसद से केंद्र की मोदी सरकार को ये नसीहत दी है, जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत पर कितना अमल करता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।